नमस्कार दोस्तों, टेक्सेप कुचल में आपका स्वागत है। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ ये बोया कंपनी का एक कॉलर माइक है, जो कि न्यू यूट्यूबर के लिए बहुत ही अच्छा माइक है। और ये मुझे अराउंड 1070 रुपीज़ का पड़ा है अमेजन से, और मैंने 2018 में लिया है। तो सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करना चाहूँगा, और इसमें कुछ फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि लिखा हुआ है। क्लिप ऑन माइक, स्मार्टफोन DSLR और कैमरा रिकॉर्डर, तो ये आपके स्मार्टफोन से और DSLR दोनों से ही ऑडियो कनेक्ट कर लेगा ये आपकी। इधर बस बोया लिखा हुआ है इसमें, और नीचे देखेंगे कि तो हम इसमें लिखा हुआ है सुपर साउंड फॉर प्रेजेंटेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बहुत ही अच्छा माइक है, और इसमें और ये मैनुअल गाइड है इसका कि ये कैसे कैसे हमें यूज़ करना है, ये सब इसमें दिया हुआ है। और ये एक वारंटी कार्ड या नोटिस आप इसको कह सकते हैं वो है, तो इसको रखते हैं साइड में। और अब चलते हैं सीधा माइक पे। ये एक इसमें सेल दिया हुआ है, और एक सिलिका जेल है, और एक आपको DSLR में लगाने के लिए आपको कनेक्टर मिलता है, और इस पाउच में कुछ नहीं है, तो इसको रखते हैं साइड में। पाउच काफ़ी अच्छा है, लेदर फिनिश है ये पाउच। आप देख रहे हैं इसकी वायर बहुत ही लंबी दी है, तो करीब ये 5 मीटर के से ज़्यादा मुझे वायर लगी है, 20 मीटर की वायर लगती है मुझे, बहुत ही लंबी वायर इसमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये सीधा हमें कॉलर माइक मिलता है। अब देख लेते हैं ये कैसे अटैच होगा, इसको शायद ओपन करना पड़ेगा, और इसमें इस तरीके से ये सेल लग जाएगा। और ये सेल इस तरीके से इसमें चला जाएगा, और इसको फिर हम कर लेते हैं क्लोज। बस ये सिंपल है, इसमें क्लोज़ हो गया। और इसमें इधर आप देखेंगे कि बटन दिया हुआ है एक छोटा सा, ये बटन सिर्फ आपको स्विच करने के लिए स्मार्टफोन पे, और अगर आप DSLR यूज़ करते हैं तो DSLR पे बस। और इसमें कोई इंडिकेटर लाइट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ये बैटरी आपकी करीब आराम से चल जाएगी 2 से 3 महीने, या इससे ज़्यादा भी चल सकती है। वो आप किस तरीके से आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और कितनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अब इस पाउच में देख लेते हैं हम कि क्या मिलता है इस पाउच में। इस पाउच में हमें मिलता है एक ये प्लास्टिक, एक ये फोम मिलता है जो माइक पे लगेगा, दूसरा हमें मिलता है एक ये DSLR में लगाने के लिए, और ये एक कॉलर अटैचमेंट हमें मिलता है। तो सबसे पहले मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ, और जो न्यू यूट्यूबर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा माइक रहेगा। ज़्यादा नहीं है, 1070 रुपीज़ का है, पहले 2000 का भी मिलता था, 1800 मतलब इसका, और प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो आप अमेजन पे देख सकते हैं जब भी इसका प्राइस ऊपर नीचे होता है। अब मैं इससे वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, और ये वाली वीडियो जो मैं अभी इसी से रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, और इसका साउंड क्वालिटी अब आप सुनेंगे। और जो अब साउंड क्वालिटी आ रही है वो ये बोया का माइक है उससे आपको मिल रही है। तो इससे पहले मैं जो ये आईफोन का एक माइक है, इसी से हैंड फ्री का जो माइक मिलता है इसके साथ, इसी से मैं वीडियो अभी तक मैं बनाता आया हूँ। तो अब मैंने ये माइक सोचा कि मैं ये चेंज कर दूँ, तो ये काफ़ी अच्छा है। कोई भी न्यू यूट्यूबर है या पहले से जो कोई यूट्यूब पे आप अपनी वीडियोज़ वगैरह डालता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा माइक है, तो आप ये परचेज करें ज़रूर से। और मुझे बताइए कि आप लोगों को एक वीडियो कैसा लगा और कैसा नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा तो वो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो एक ब्लूटूथ स्पीकर का, जो कि एक बहुत ही ऑसम वीडियो है, तो बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ।